एनसीसी एयरविंग कैडेट्स जिला की 5 पुलिस स्टेशनों के तहत आने वाले क्षेत्र में तैनात होकर लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक करेंगे। ये अभियान आगामी कई दिनों तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत एनसीसी एयरविंग कैडेट्स लोगों को कोविड-19 को लेकर जागरूक करेंगे, साथ ही लोगों को मास्क पहनने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। जिला के बल सुंदर नगर तथा मंडी सदर सहित 5 पुलिस थानों के तहत करीब 100 एनसीसी कैडेट्स ट्रैफिक ड्यूटी पर हर रोज तैनात रहेंगे। इस दौरान वे वाहन चालकों तथा आम जनता को कोविड-19 को लेकर जागरूक करेंगे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल DS ठाकुर ने बताया कि कोविड-19 को लेकर एनसीसी एयरविंग कैडेट्स पहले भी ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होकर लोगों को इस महामारी को लेकर जागरूक कर चुके हैं। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल DS ठाकुर। हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर मंडी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि डिस्ट्रिक्ट मंडी के जो हमारे 5 थाना क्षेत्र है, जिसमें मंडी सदर, जोगिंदर नगर, बासा और सुंदर नगर के 2 इलाके हैं, सुंदर नगर सदर और सुंदर नगर कॉलोनी, DSL कॉलोनी, इनमें प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं और हिमाचल में दिन प्रतिदिन जो है वो कोविड-19 के जो केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो उनका रिक्वेस्ट था कि जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है नेशनल कैडेट को, उनमें से आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमने अपने ग्रुप हेडक्वार्टर शिमला, जिसमें ब्रिगेडियर राजीव ठाकुर जी हैं, तुरंत उनसे संपर्क किया और उन्होंने विद इन 5 मिनट हमें हुक्म दिया कि आप इस समय जबकि हमारे लोगों को इसकी ज़रूरत है, ज़रूर अपने एनसीसी कैडेट्स को सहयोग योगदान दीजिए, सहयोग करिए। हमने सभी जगह 5 के 5 पुलिस स्टेशन के अंदर अपने एनसीसी कैडेट्स डिप्लॉय किए हैं, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और ये सब इंश्योर्ड है, जिनकी इंश्योरेंस हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कर दी गई है। लगभग देख लिया है 5 जगह, आने वाले 2 दिनों में ये संख्या 100 से 150 के बीच जाएगी।